एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंटूर चैप्टर में कंटूर रेखाओं के गुण। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, कंटूर क्या होता है, कंटूर लाइन क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। फिर कंटूर मैप किसे कहते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पढ़े थे। फिर पढ़े थे हम लोग क्या, समोच्च रेखांतर, जिसे क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल, और कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंटूर रेखाओं के गुण, ठीक है, यानी कंटूर रेखाओं के गुण, है ना। क्या पढ़ेंगे, कंटूर रेखाओं के गुण। अब समझिएगा, सबसे पहला कंटूर रेखाओं का गुण क्या है कि कंटूर रेखाओं से हम चपटी भूमि को पता लगाते हैं, चपटी भूमि, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा कि तीखी भूमि, तीखी मतलब तीखी ढाल वाली भूमि, तीखी ढाल वाली भूमि के बारे में क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। अब कहेंगे सर चपटी भूमि तीखी भूमि का पता कैसे लगाएंगे, समझिएगा। जैसे देखिएगा, ये हो जाएगा, बता चुके हैं सारी चीज़ें, ये हो जाएगा तीखा और ये क्या हो जाएगा मतलब चपटी भूमि, है ना, लगभग में क्या है, यानी कम तीखा है, चपटी भूमि है। क्या हो जाएगा आपका, चपटी भूमि है। अब देखिए, खींचिए 100 आरियल, ये कितना आरियल है भाई, 100 मीटर वाला। चलिए ठीक है, 100 मीटर वाले क्या खींच दिया आप, कंट्रोल लाइन खींच दिए एक। अब क्या खींचे, कितने पर खींचे, 101 मीटर पे, ठीक है, क्या खींचे, 101 मीटर पे। अब देखिए 101 मीटर खींचे, है ना, देखिए 101 मीटर वाले खींचे, फिर खींचे 102 मीटर वाले पर, ठीक है भाई, 102 मीटर वाले पर। देखिए तब क्या लग रहा है, यदि कंटूर लाइनें पास पास हैं, देखिए यदि कंटूर लाइनें कहाँ है, पास पास हैं, यदि कंटूर लाइनें पास पास हैं, यानी वहाँ की भूमि कैसी है, तीखी भूमि है, तीखी ढाल वाली भूमि है, देखिए, है ना। यदि 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 कंटूर रेखाएं क्या हैं, दूर दूर हैं, देखिए कंटूर रेखाएं क्या हो जाएगी, दूर दूर हो रही, काफ़ी दूर दूर, यदि कंटूर रेखाएं कहाँ हैं, दूर दूर हैं, यानी वहाँ की भूमि कैसी है, चपटी है। कितना आसानी से पता कर ले रहे हैं, ना, यदि कंटूर रेखाएं पास पास है तो तीखी ढाल वाली है, और यदि दूर दूर है तो चपटी भूमि वाली, ठीक है। और दूसरा, हाँ, दो गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होता है कि इक्वल यूनिफॉर्म, है ना, समान समान उच्चता। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि समोच्च रेखा के किसी भी बिंदु पे, किसी भी बिंदु की ऊंचाई क्या होता है, सेम होता है, उच्चता क्या होती है, समान होती है। इसमें तो कहना ही नहीं है, क्योंकि आरियल से ये तो इक्वल आरियल वाले बिंदुओं को मिलाने से तो रेखा बनी है, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि समान, हाँ, मतलब समोच्च रेखा पर उपस्थित किसी भी बिंदु की आरियल क्या होती है, समान होती है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चौथा देखिएगा, चौथा जो होता है यूनिफॉर्म स्लोप या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, यानी क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म स्लोप या नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को भी क्या करता है, आपका दर्शाता है, ठीक है। देखिएगा, यूनिफॉर्म स्लोप और नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को भी क्या करता है, दर्शाता है। कैसे दर्शाएगा भाई, देखिएगा, देखिएगा, जैसे देखिए एक क्या है, समान स्लोप, देखिए स्लोप एक समान है, तो देखिए यहाँ का हो जाएगा 100 मीटर आरियल, है ना, यहाँ का लाइन खींचिए 100 मीटर, ये हो जाएगा आपका 101 मीटर, ये फिर क्या हो जाएगा 102 मीटर, होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी देखिए इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, समान, यदि 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 समोच्च रेखा के बीच की दूरी क्या है, यदि बीच का दूरी क्या है, समान है, यानी स्लोप क्या है आपका, समान है, देखिए, है ना, अभी असमान बताएंगे समझ आएगा। यदि समोच्च रेखा के बीच की दूरी समान आ रहा है, यानी जो स्लोप है ना, भूमि का स्लोप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा असमान भूमि वाला, ठीक है, असमान भूमि वाला देखिएगा, अब देखिए यहाँ का स्लोप असमान है, यहाँ का देखिए 100 आरियल, ठीक है, यहाँ देखिए 101 आरियल, फिर 102 आरियल, फिर 103 आरियल। अब देखिए क्या समान है आपको, देखिए स्लोप कम था तो बीच की दूरी अधिक था, है ना, जैसे स्लोप ज़्यादा हो गया, बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो यदि समोच्च रेखाओं के बीच का जो अंतराल है ना, हर जगह सेम नहीं है, यानी वहाँ का भूमि क्या है, ओवर मतलब कि समान ढाल वाली नहीं है। कितना आसानी से समझ आ रहा है, बताइए कोई दिक्कत है, हम नहीं सर, आप बताएं और दिक्कत हो जाए,
हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ये बता दीजिए हमको। हैं बच्चे, तो देखिएगा अगला क्या, अगला क्या हो जाएगा, वेली वेली है ना, पांचवा दिख रहा है ना, हाँ वेली या फिर घाटी कहते हैं या फिर लेक झील है ना, लेक। तो ये तो हम शुरू शुरू गए पहले लेक्चर में ही बताए थे कि कोई घाटी है ना, जैसे तालाब है तो अंदर की तरफ जाने पर क्या होता है भाई, घटता है। ये हो जाएगा 99 वाला आरियल, एक कौन वाला आरियल हो जाएगा भाई, 100 वाला आरियल हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका, 100 वाला आरियल हो जाएगा, ये 101 वाला आरियल हो जाएगा। तो अंदर की तरफ जाने पर देखिए, ये 101 वाला, ये 100 वाला, ये 99 वाला, यदि कंटूर रेखाएं अंदर की तरफ जाने जाते हुए क्या हो रही है, अपनी वैल्यू को घटा रही है, वैल्यू उसकी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यदि वहाँ पे क्या है, घाटी है, घाटी मतलब समझते ना, या गड्ढा है, और या फिर वहाँ लेक है, ठीक है। अब दूसरा इसी का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, छठा क्या हो जाएगा कि हिल, हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी है ना, हिल पहाड़ी का मतलब क्या हुआ, समुच्च रेखाएं हिल और पहाड़ी को दर्शाती है। कैसे दर्शाएगी, यदि अंदर की तरफ बढ़ रही है ना, देखिए दिखाई तो दे रहा है ना, यदि अंदर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ेगी। जैसे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 100 वाला, 100 वाला हो गया, यहाँ 101 वाला, यहाँ 102 वाला। तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, ये हो जाएगा 100, 101, 102, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो कंटूर रेखाओं के गुण होते हैं, अंदर की तरफ बढ़ेगा तो समझ जाएंगे वहाँ टीला है यानी ऊंचा हो रहा है, अंदर की तरफ घटेगा तो वहाँ क्या हो रहा है आपका, घाटी हो रहा है ना। अगला देखते हैं भाई, अगला जो होता है सातवां होता है क्लोज ट्रेवर्स होता है, इसके जो सिरे होते हैं बंद होते हैं। यानी क्या हो गया कि कोई आपके पास एक फील्ड है, उस फील्ड में क्या होंगे, कंटूर जो मैप होंगे ना, कंटूर रेखाएं क्या होंगे, वो बंद होंगे है ना, कंटूर रेखाएं क्या होंगे आपके, बंद होंगे। कंटूर रेखाएं क्या होंगे आपके, कंटूर रेखाएं जहां से शुरू होगा वहीं क्या हो जाएंगे आपके, ख़त्म हो जाएंगे है ना। इसके गुण होते हैं, कंटूर रेखाओं के गुण क्या है, जहाँ से शुरू होंगे वहीं क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन आप मैप में देखेंगे कंटूर रेखाएं ऐसा ही मिल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा, कुछ कंटूर रेखाएं यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो कहेंगे आप सर ये तो मतलब जहाँ शुरू हुआ वहाँ मिला ही नहीं, तो इसको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इतना आपका फील्ड इतना ही था, इतने में सर्वे करना था तो बाहर नहीं जाना है हमको, लेकिन इसको जब मिलाएंगे तो ये बाहर जाके मिलेंगे ही, ये बाहर जाके मिलेंगे ही, ठीक है। तो भले हमको जो फील्ड है कागज़ पे मिली हुई न दिखाई दे, लेकिन यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो कागज़ के बाहर जाके क्या होंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी इसका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है, कंटूर रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी सिराहीन नहीं होती हैं, यानी एक क्या होती हैं, हमेशा क्लोज होती हैं, जहाँ से शुरू होंगी वहीं क्या होंगी आके मिलेंगी और क्या हो जाएंगी आपके, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। यानी ठीक है, और क्या होता है गुण जो होता है, कंटूर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना। आठवां क्या हो जाएगा, नहीं काटती हैं, देखिए कभी काटी है कंटूर, कंटूर उतना बना है, बताइए कभी काटा है क्या, कंटूर रेखाएं कभी काटती नहीं। काटने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ की ऊंचाई क्या है, सेम है। अब किसी एक बिंदु की दो ऊंचाई कैसे हो सकती है ना, इसकी इस ए मेरा यहाँ है तो इसकी दो ऊंचाई, जैसे मेरे नाक की ऊंचाई क्या, नाक नहीं लेंगे अपन लोग, हंसने रहेंगे, जैसे कि यहाँ मार्कर यहाँ ले लें ऊपर, तो इसकी ऊंचाई एक ही तो होगी ज़मीन से, इसकी दो ऊंचाई थोड़ी होगी। काटने का मतलब दो रेखाएं जा रही हैं, समझिएगा काटने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ काटा, यहाँ काटा यानी इस बिंदु पे दो ऊंचाई। अब किसी बिंदु को दो ऊंचाइयाँ कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। तो कभी भी कंटूर रेखाएँ, समझ रहे हैं ना मेरे लाल, इसकी दो ऊंचाइयाँ कैसे होगी, समुद्र लेवल से इसकी एक ही ऊंचाई होगी, कंटूर रेखा समान एक ही ऊंचाई वाले बिंदुओं को दिखाता है। तो कभी भी कंटूर रेखाएं नहीं काटती हैं, लेकिन काटती हैं कहाँ, सारी चीज़ों में अपवाद होता है, ओवरहैंगिंग में कह लीजिए, या वर्टिकल ओवरहैंगिंग में कह लीजिए, केओ में कह लीजिए, या वर्टिकल क्लिप में कह लीजिए, है ना। जैसे देखिए वर्टिकल क्लिफ मतलब क्या हो गया, देखिए ऊर्ध्वाधर क्या है आपका, पहाड़ी है। अब यहाँ खींचेंगे क्या हो जाएगा, वहाँ मिल के चलेंगे, देखिएगा 100 100, देखिए मिला 100,
यहाँ खींचेंगे कितना, 101 मिला। अब देखिए इधर तो वही उसी पर आएगा ना, मजबूरी ऐसा तो उसी पर आएगा भाई, 102। तो जो ऊर्ध्वाधर पहाड़ी होती है वहाँ क्या होती है, मिल कर चलती है। देखिए मजबूरी है, क्या करेंगे, अब एक ही बिंदु पर पूरे ऊँचाइयाँ मिलती जा रही हैं, तो वर्टिकल क्लिप में ये आपस में मिल के चलती हैं एक तरफ, देखिए। और ओवरहैंगिंग में क्या होता है, एक काट देंगे, देखिए एक पहाड़ है, वो पहाड़ इस तरह का है, ओवरहैंगिंग है, देखिएगा अभी कट, देखिए खुद बना कर आप समझ सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, 100 मीटर वाला हो जाएगा, ऐसा हो गया, यहाँ गए कितना हो गया, 101 मीटर वाला। तो देखिए ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, अब कैसे मिलाएंगे, अब कैसे मिलाएंगे इसको, वो तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है ना। अब फिर 102 आ रहा है, देखिए मिला के देख लीजिए भाई, ओवरहैंगिंग वो काटा, कहीं बाहर से भी लेके जाएंगे तो काटेगा, ठीक है। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ में और ओवरहैंगिंग मतलब पहाड़ी में और वर्टिकल क्लिफ में क्या होता है कि वर्टिकल क्लिफ में मिल के चलते हैं, और ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होते हैं कि काटता है, ठीक है। अगला क्या समझना है ना, एक और लिखवा दे रहे हैं कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, अस्थाई संरचना, अस्थाई कभी भी अस्थाई संरचना से होकर ना कंट्रोल लाइन को नहीं गुजारते हैं, ठीक है। क्योंकि अस्थाई संरचना वहाँ तो कुछ बनी हुई है, वहाँ का रियल हम निकाल कर क्या कर पाएंगे, जैसे कोई मकान बना हुआ है, कोई मकान क्या है, बना हुआ है, जैसे कोई ए मकान है, क्या है भाई, बना हुआ है, मान लेते हैं क्या है, मकान बना हुआ, हम कंटूर रेखाएं खींचेंगे और इसको इसके बीच अंदर नहीं दिखाएंगे, कंटूर रेखाएं खींचेंगे इसके बाहर बाहर, कभी अस्थाई संरचना को छेद करके क्रॉस करके कंटूर लाइनें नहीं जाएंगी। ये क्या है, कंटूर लाइन की क्या होती है, गुण होती है, ठीक है। 10 हो गया, और भी कुछ गुण लिखा दें, इतना ही समझिए, ठीक है। ये 2-3 और होते हैं लेकिन उससे क्या कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कितना, देखिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए क्या होता है कि अभी हम लेक्चर पढ़ा देंगे, अब आगे आएगा टाइप ऑफ कंटूरिंग, कंटूरिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन हम पढ़ाएंगे तो मतलब कि डायरेक्ट मेथड पढ़ने लगेंगे तो फिर अभी वीडियो आधा घंटा के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और आधा घंटा ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, इतना हम लोग का अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो आई होप आप बात को समझेंगे, छोटा लेक्चर है लेकिन यूजफुल आपके लिए होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप ऑफ कंटूरिंग के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।